जय श्री राम भाई, सभी भाइयों को गुड मॉर्निंग। और सुबह के बज रहे 11 और आज भाई इसका मुंडन कर दूंगा मैं। हाय क्या बात है, हम तो ना ही बनेंगे भाई, तो लो भाई आज इस ना गंजा कर दे। तू भी आओगे हमारी गैंग में? लो भाई आओ रागी, आज इस ना गंजा करेंगे। चलो लो भाई आज सुबह सुबह आयु का मुंडन कर देंगे। 1 रुपए दोगे रे? गंजा ना करना, मड़े मड़े काटने इतने। ठीक है मेरी बात तो सुने, रपिये कह दोगे दोनों है? तेरा क्रोम का तरह है ना नया यो के है यो पावर बैंक के ता क्रोम का नीचे तरह है यो। इब का ले रहा हूँ मैं, कम से कम 2-3 साल हो लिए। लैपटॉप लेकर आया था जब लाया था। चलो भाई नू तो बताओ क्या रुपए दोगे? देख एक तो पंडित का वो देना पड़ेगा तुमने। रुक जा मैं काटूंगा। अरे पहले डिसाइड तो करो, एक तो मेरी दक्षिणा बताओ कितनी है, और बाल काटने के न्यारे दक्षिणा दो भाई। पहला ला दे 20 रुपए। अरे 20 रुपए इतने ही है रुपए तू दे। दे तो दिए 20 रुपए। ओम बाल कटवाएगा लो भाई। सही है इतने? ये सही है ना? गंजी आए हाय, कटिंग करके देखू उसकी, वो बना करूं सा फैशन। आनी सी माड़ी कटिंग कर दूं रैन दे ही देता ई ता ना होई भाई, ते ई से बाल को नहीं है। हाय हाय मजा आया ये गुद गुद गुदी। रुक जा जल्दी कर वाले। नहीं करेंगे। आ रुक तो जा बीच में तो और कर दे, सेंटर में था। रुक जा नहीं पता, रुक तो जा। बाल कंघी कराओ। लो भाई ये और ना कटवाने भाई, बता दिए पर ऐसा लगेगा। छोरी क्या रुपए देगी? घर का ना ही मिल गया इतना। घर का नहीं मिलेगा, घर का नहीं तो फ्री में करते हैं। अच्छा भाई वो देना पड़ेगा मेरे तय दक्षिणा। ओम बाले कटवाए नमः, दोबारा जल्दी आए। याड़ा करना क्या डे, ते कलम सी एक सी करती है, पर लिखेड़ ते भी उर लिखेड़ ते भी। रुक जा तू, रुको। ए डॉल्फिन इका फूक मार दे, निकी का आँखा दोड़ा। पिकाचू बैठ जा जल्दी। हो गए देखो। वाह हो गए। रुक जा बस, ये और कर दे पूछड़ी सी ऊपर दे। हो गया बस, ये सही है इतने। अरे छोटे ना हो, ही तो शेप एक सी तो कर दो ना, फिर उबड़े खाने बाल जामे ने। जल्दी कराओ, जल्दी जी दूंगा भी जी। हां बेटा रुक जा, ले ले आगे चले। हाँ ले ले, पहले ही ना खिला। अच्छा ले ले ले, हो गए ए हो गए। अच्छा एक मिनट रुक जा, ले इन 2 मिनट। अरे मुंह में मत ले, एक तो 2 मिनट पकड़, मैं इसका पानी चला रहा हूँ। ये मत आठा दे ही ना रही, अब बालों कर दे। ओ वे
ला दिखा दिखा देख ऐसे ऐसे करो ऐसे जैन करो ऐसे उतना करा सही तो है पहले यहाँ से कराओ फिर मिलेगा तुझे चल तू नाई नाई करिए। चलो भाई आयु के बाल तो काट दिए, मैं नहा धो लूं और उसके बाद चलते हैं भाई खेत में। आज अपनी पीवीसी का काम शुरू हो गया है तो पूरी छत ऐसी हो जाएगी जैसी अपनी यहाँ है ना, पर डिजाइन अलग कराऊंगा, मतलब कलर थोड़ा अलग, क्योंकि तो भाई इसकी टहला तो मैच होता उड़े। तो चलो भाई चल के देखते हुए चैनल बांध जाएंगे, उसके बाद भाई वायरिंग भी खिंचनी बिजली की, तो बहुत काम है ना दोलूँ। लेट्स गो। लो भाई आ लिए खेत में सुबह फिर, और एक बार दिखाता हूँ कि काम चल रहा है। लो भाई होता पड़ा नहीं पड़ा सारा बाहर का था, और गंदगी देखो कितनी ज़्यादा हो रही। और ये भाई आगे छत लगाने वाले, ये देखो जो अपनी पीवीसी की छत होगी, तो ये भाई चैनल चैनल बना देंगे, मतलब इसका फ्रेम शीट बाद में ला जाएंगे। तो ये देखो ये ला करेगा फ्रेम बना, एक बार दिखाओ तुमने भीतर चल रहे गेट की आला, देखो गंदगी तो यार घड़ी हो रही यार है। देखियो ये पूरा बाद में नू है जे सी बी तो साफ करा दूँगा, कुए तक खींच का माटी भी एक सी हो जाएगी और सफाई भी हो जाएगी। चलो ये देखो भाई चैनल अपना इस हाइट पर आया है, और किचन का भी होगा बाथरूम का भी, तीनों जगह लग जाएगा। फ्रेम लग के बाद है बिजली वाला अपने वायरिंग कर देगा, फिर बाद में शीट लगती रहेंगी तो कोई बड़ा ना रहेगा। एक बार पेंटर ने बुला के काटर आगे पेंट और मरवा दूंगा कल। चलो भाई बाकी का तो सफाई भी होनी नीचे की, पूरा गंदा हो रहा है। तो देखो आड़ भी लग जाएंगी या पी वी सी और बाथरूम में भी हो जाएगी। कद आज आज में लगा दोगे? नहीं। कल भी आओगे? हैं? वायरिंग होगी उसके बाद काम होगा। कल भी आओगे? नहीं वायरिंग होगी। हाँ हाँ वो मतलब चैनल तो आज 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 कर दोगे ना, तीन होगे फिर ठीक है, फिर उसके बाद तो एक दिन हो रहा ना तुम्हें शीट लगाने। ठीक है ठीक है। चलो भाई ये भाई मैंने बोर्ड और लगवा दिया आड़े, क्योंकि प्रोजेक्टर मिलना रहा था मेरे नू होगी कल ना, वो चलाना पड़ेगा टीवी का भी तो दिक्कत ना होगी। फिर ही मारे मैंने एक दोबारा बॉक्स बनवाए और वो ढंग से करके ना गए, ये देखो बाहर कर गया ढंग से भीतर ना वाड़े, ये दोबारा तोड़वा गए भीतर करवाऊँ फिर ये पैक हो जाएंगे, अरे इन थोड़ी नीचे भी करवाऊँगा। लो भाई फाइनली हम लोग आ चुके हैं एक इलेक्ट्रिक कार में, टाटा की है जो, क्या नाम है भाई का? टियागो। टियागो लो भाई आज इसका रिव्यू कर दिया मैंने भाई, नई गाड़ी की बहुत बहुत बधाइयाँ। और भाई इसकी टेस्ट ड्राइव और इसकी पार्टी लेने चल रही है, चल भाई मुरथल रेडी, मुरथल पहुंच जाएगी ना यहाँ, रेंज तो है 128 इजीली। फिर इसके बारे में कुछ बताओ भाई, ए सी मंदा करो थोड़ा, बड़ा तेज हो रहा भाई। मेरी जो रिक्वायरमेंट है मुझे डेली ड्यूटी के लिए यूज करनी होती है, तो मेरी थोड़ी रनिंग ज्यादा है तो इलेक्ट्रिक है, इसकी रनिंग कॉस्ट भी कम पड़ती है। मुझे भी नहीं पता, लॉन्ग रेंज का है, इसमें दो रेंज आती है, 250 किलोमीटर की, एक 315 किलोमीटर की है, ये 315 लॉन्ग रेंज वाली है। अच्छा मतलब एक बचार जो है बाद 315 क्लेम करती है, वो उनके स्टैंडर्ड जो होते हैं उन पे मापदंड पे होती है, बट जो एक्चुअली नहीं 300 नहीं एक्चुअली चलेगी जो एसी में 220-230 किलोमीटर। अच्छा और कितनी देर में चार्ज हो भाई? चार्ज घर पे तो 8-8.5 घंटे लग जाते हैं, और स्टेशन पे? स्टेशन पे वही 45 मिनट्स 50 मिनट्स में, हां पूरी चार्ज 10-80% हो जाती है। अच्छा ये तो बहुत सही है भाई। लो वायर फीचर देख लो सारी चीज लगभग जो नॉर्मल गाड़ियां में है भाई, मेनली चीज सब तो बड़ा बढ़िया चीज लगी मैंने ऑटोमेटिक, यो फायदा है। और भाई चार्जिंग की गाड़ी में प्रेशर तो होए बढ़िया, पिकअप वगैरह ये देखेंगे थोड़ा पंजा दर्द है भाई, पायलट द साइड। अच्छा देखें स्पोर्ट्स मोड पे करके देख। अच्छा स्पोर्ट
होगी स्पोर्ट पे ही भैया रनिंग में सिर्फ स्पोर्ट्स पर डीप हो भाई पूरी बात जायद है इतनी देर में 60 चढ़ गया था मन तेईस लग गया बीएमडब्ल्यू ने भी हरा देगी पिकअप जबरदस्त है ना वक्त का मैं पिकअप होता है ये तो छोटे सेगमेंट की गाड़ी है ठीक है वरना जो ये है एक्सयूवी 400 होगी या नेक्सॉन होगी इनका तो पिकअप ये सेल्टोस क्रेटा वगैरह भी इनको पास नहीं फटकने देती पर एक... रेट रेट के हिसाब से नो है इसमें फिर चार्जिंग की बचत होगी बैटरी कॉस्ट जो है अगर अब देख दो दिन हुए हैं मेरी 247 किलोमीटर चल चुकी है ये 20 किलोमीटर चली हुई थी इसमें से 20 लेस कर दे दो दिन में मेरी इतनी चल गई है फिर तो सही लिया भाई दो दिन में इतनी चला दी मेरी तो इतनी मान लो कदे महीने में चलती होगी बीएमडब्ल्यू मेन चीज है रेगुलर यूज करने के ऊपर यूज करने के लिए ली है गाड़ी बाइक बुइक की जगह ही नठा ले जाओ और छोटी की छोटी जब कितने होते लिकट भी जाओ बाइक ये तो भी ले ली मैंने फिएस्टा थी वो सीएनजी में 7 रुपए किलोमीटर पड़ती थी 6.5-7 रुपए किलोमीटर एवरेज ही नहीं देती थी मेरी तो वो भी ऐसे ही चलती थी फिर भाई इसका फायदा क्या है मतलब जो करे मैन चार्जिंग छोटी मेन चीज है इसमें उसमें मेरे 12-15 हजार रुपए की सीएनजी लग जाती थी उसमें अच्छा महीने इसमें हार्ट रेट था 2000 रुपए में काम चल जाएगा और दूसरी चीज इसकी लाइफ कितनी भाई लाइफ भाई 8 साल की तो वारंटी दे कंपनी बैटरी 1,60,000 किलोमीटर बैटरी और मोटर की 1,60,000 किलोमीटर या फिर 8 साल 1,00,000 तो मेरे ख्याल था भाई 6 महीने में कुदा दो हिसाब से तो नुए लग गया साल की 25-30 हजार किलोमीटर की रनिंग आ जाती है साल मैं भाई मैंने इतना मेरा 50,000 ही ना कुदा दो गया अगले साल की वीडियो बनाऊंगा इतना तो मैंने ट्रस्ट है तो भाई भाई मन राह चलता दिख गया मगा भाई मन तो फोटो देख के थे स्टेटस पे मगा भाई लो मौका मिल गया बाकी भाई फील था वे मतलब नू ना लगता जो अगर बैटरी वाली ना नू कह दे कती साइलेंट रहे ऐसा भी ना है मतलब फील हो है कि हां चलान ना करे गाड़ी जो अगर पेट्रोल की गाड़ी में हो है ना नू हो ही मैं सीन ये एसी की आवाज आ रही है एसी बंद कर दे इसमें आवाज नहीं आ रही ये एसी बंद कर दिया तब नहीं आएगी ना पर जो कर थोड़ी बहुत है फील होनी चाहिए ना तो वह है इसमें कती नू ना आके भाई कती ये चुपचाप होगी मतलब मन तो साची था स्विफ्ट चलाया करता ना अपनी पेट्रोल वाली मन तो उसकी डाला लग गया नू कती बाकी नू भाई गाड़ी टाटा की है भी तो स्मूथ है पूरी स्टेयरिंग भी पूरा स्मूथ है यो टॉप मॉडल है भाई एक नॉर्मल इससे ऊपर सिर्फ एक मॉडल और था उसमें और इसमें 1,00,000 रुपए का डिफरेंस था उसमें साइड मिरर फोल्डेबल थे इसमें सिर्फ इलेक्ट्रॉनिकली एडजस्टेबल हैं एक रियर व्यू कैमरा था डिफोगर था और रियर वाइपर था ये डिफरेंस था जिनका कोई काम नहीं मारा भाई मैं तो सच बताऊं बीएमडब्ल्यू में भी कैमरा ना देखता अपनी आदत वाई हो रही है साइड में देखो सीधा ना भाई गाड़ी तो बढ़िया चल रहा है और एक चीज हो रहा भाई टाटा की गाड़ी चलाओ ना बल्क फील हो है शिफ्ट सुफ्ट तवे चलाने ते नो लगदा हड़की जो इतना है जैसे छोटी गाड़ी है नो इतना कंजेस्टेड है ना लग यो इसमें हार्मोन के लिए करा भाई हार्मोन कार्डन दे दिया के हार्मोन का है इसमें अच्छा कंपनी से है इसका स्टीयरिंग का कंट्रोल यहां से बट इसमें वीडियो प्ले नहीं होगा वैसे सारा टच वो कोडिंग तो हो जाएगा मैं बताता हूं क्यों कर जो गरीब नई गाड़ी आ रही है ना इनमें एक तनु 80 तो पर जाते टूटू बोल ले मन इतना ज्यादा डीप लेना घुसना होता मन सिर्फ म्यूजिक करनी हो वो काम पूरा चल रहा है और गाने भी ना सुनता भाई है गाने तो सुन अच्छा सिद्धू मूसे वाला मूसे वाला भाई बिल्कुल बिल्कुल मूसे वाला चॉइस हो भाई अपना पसंद था ना भाई गाने देखो मूसे वाला जैसे गाने नहीं लगते किए गए कितने सिंगर आए गए होंगे उसके तो गाने अलग है तू जिन्ना ना कंपेयर करे है साढ़े लेवल ते नहीं आती है भाई गाड़ी तो बढ़िया वैसे मीटर इसका यो दे भाई डिजिटल मीटर है बाकी यो चीज मैंने सही लगी कॉम्पैक्ट सा दे रखा ज्यादा वे अड़ंगे ना दे रखे ना वे पूरा फला दे है आधे डैशबोर्ड पे वो ही दिखे जा मीटर और स्क्रीन पूरी दे दी भाई नू और बताओ ये जो कर कागज कुगज नॉर्मल अपनी नॉर्मल गाड़ी आगे नू है वो पूरा हाँ इंश्योरेंस में पोल्यूशन की रिक्वायरमेंट होती नहीं इसमें इंश्योरेंस और अपना आरसी वो ऐसी होती है अच्छा आरसी और सी पूरा वो बड़ा है और चलान वलानी का सब कुछ सेम है ना जो कर नॉर्मल गाड़ी आगे पोल्यूशन का चलान ना हो बस एक पोल्यूशन हटा दो और बाकी सब कुछ इंश्योरेंस का भी होगा इंश्योरेंस का तो पर्पज ये होता भाई इंश्योरेंस अब टोटली कॉम्प्रिहेंसिव एट 0% मतलब थर्ड पार्टी तो रखना होता है मुद्दे की बात पाओ जो आपकी सबसे पसंदीदार चीज है समझ गए मैं क्या कहना चाहूंगा बाजा कितनी है यार पीपा तो मजा गया ना देखी है वो मतलब कंपनी के क्लेम करे टॉप स्पीड कितनी है इसकी मैंने इतना ज्यादा डीपली स्टडी भी ना करा है अच्छा ये भाई मतलब आई है ये भाई ने उरे ने परे ने लेके आंडन ला करा के है यो
फिर भाई टॉप स्पीड जो कर रही है लिखी ताती होगी इतनी है जो कर मीटर में तुमने ना दिखी डिजिटल में मीटर में किसी टॉप स्पीड लिखी आ रहे ना ही मपा होगा फीचर भाई डिस्प्ले चेंज होती होगा तो मैंने देखा कौन है मीटर की डिस्प्ले हो जाएगा ना चेंज ये मेरे ख्याल है 230 तक दे रखी होगी कंपनी ने ईवी है पता है ईवी में क्या होता है जैसे उसमें तो थ्रोटल एक लेवल पे जाके वो उतनी स्पीड तक रुक जाती है ठीक है ना उससे ज्यादा नहीं चलती उसमें थ्रोटल देते रहोगे आप गुंजाइश रहती है कि इतना तो इसमें इतना होना पर ये मान लो 150 तक की तपा होगी भाई इतनी तब चली जाएगी 140 सही है प्रेशर सही है वैसे लेंगे थोड़ी चल ले पीछे पिकअप हां पिकअप मस्त है पिकअप बढ़िया भाई यार यो डीप है देख लो स्पोर्ट पे तो ये गाल लगे वो पूरे इंदे चल रहा है फिर परे न लिकड़ जाएंगे ट्रांसफार्मर ना सही है भाई पर मैंने एक चीज बढ़िया लगी मैंने टाटा की गाड़ी की जो सब तो प्यारी चीज लग गया वाह है बल्कनेस मतलब गाड़ी चलावे ना जुगर स्विफ्ट स्विफ्ट में तो ऊँ लग गया जुगर ऊँ लेगा चल रहे कोई हल्की पुलगा सोता या इन ईवी में भी बल्क दे रखी भाई बढ़िया है टाटा का लोहा है चीज करी है भाई आपने भी नोट वैसे थारे भी बुक करा रखी थी मैंने अच्छा वो का कह रहा है वक कैंसिल कर दे आज आगे उसका लोन करा वो तेरे जैसे भाई को दे दी मगर तू ले ले भाई अच्छा इस तरह दवा दोगे मरम दे क्यों दवा भाई मैं उसकी पर्सनल एक देखते हैं भाई इन्हें स्पोर्ट पे होगी नहीं भैया रोड भी तुम्हारे आटे ही से है रोड पर तो रहने दी हाय हाय नई गाड़ी पता दलका है ना पता है ना भाई देख बगा करूं मैं कभी भी गाड़ी ना तोड़ा पर रोड होना चाहिए बगाने की जगह बगा करूं मैंने गाड़ी तोड़ी को ना के बिल्कुल बिल्कुल स्टंट करना वो चीज अलग है पर या स्टंट हमने ही थ्रो चेक करना बस इसका ये बजाने के रोड थोड़ी भाई ये पता नहीं बस भाई पावर तो दमदार है मैं भगवान कसम बक्के में मतलब जुगर बीएमए लग गया ना मैंने वो फील आया थंप तई का पूरा है या ये लेनी पड़ेगी वन तो गलती कर दी बीएम अरे फिर बैटरी वाली भाई फिर और भी ताम है वेरिएंट की सी ले लो उन में तो फिर और ज्यादा पावर पाओगी ये जो EQS मर्सिडीज की 850 किलोमीटर की तो रेंज शो करती है बाजू नहीं आ रही है सेडान है ना तो उसमें 850 ना 600 तो चल लगी 600 ना 500 तो चल लगी ये चीज तो और आजकल स्टेशन बहुत जगह हो रहे हैं थोड़ी देर इतना चाह पानी पियो इतना चार्ज हो जा या चीज है ठीक है ना पर कितना मान लो इसी जगह जा रहे हो जित स्टेशन ना हो फिर फसका खड़े हो जा पहाड़ा में जा रहे हो कितना पोर्टेबल चार्जर गेल रखो ना अपना लगा लो एक अच्छा उसा मतलब गरा बिजली में लगा लो होटल में एक थोड़ी 30 फुट का वो बना लो क्या बोलते हैं उसको जिसमें सॉकेट डालनी है उसमें अपना लगा के अपना कर लो थोड़ी लंबी डोरी मान लो इसकी ना सकती इसकी तो 3 मीटर की है जो पोर्टेबल है जो चार्जर फिर भी 3 मीटर बहुत है हां 10 फुट हो जाए कितना आराम दा खड़ी करके लगा लो चार्जिंग पे आया चीज तो मैंने सोची नॉर्मल अपने फ्यूल स्टेशन वो चार्जिंग स्टेशन मिल ले जा तो ओपन पकड़ लो है कंपनी ने एक दिमाग और कितना बढ़िया लगा रखा है ये लीला लीला कलर ही सादे रखा है जो कर एंबिएंट लाइट लग रही है मैंने देखा मगर ये लाइट बल रही है के है ना भाई कुल मिलाकर बढ़िया गाड़ी है बल्कनेस जो मैंने गिला गियर पावर ये दो चीज बहुत पसंद आई चलो भाई ठीक है जाओ आप स्कूटी दे दूं बात है नहीं या बात कहनी है